पूर्णिया पुलिस ने हथियार तस्करी करने वाले दो अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक बसंत बिहार निवासी स्वर्गीय पुरुषोत्तम सिंह का 23 वर्षीय पुत्र ब्रजेश कुमार एवं शांतिनगर ततमा टोली निवासी योगेंद्र प्रसाद मंडल का 32 वर्षीय पुत्र नितिन प्रभाकर उर्फ सन्नी मंडल शामिल है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। यह दोनों हत्या और लूट की घटना का आरोपित है। पूर्व में शहरी क्षेत्र में इसके द्वारा कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी दिया गया है। पुलिस ने इसके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 मैगजीन, 5 जिंदा गोली, 2 मोबाइल और 1 बिना नंबर का काले रंग का मोटरसाइकिल बरामद किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर पुष्कर कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुफस्सिल थाना की पुलिस के द्वारा भादो टोला इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के समीप NH 31 मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग किया जा रहा था। उसी क्रम में दोनों को रंगे हाथ अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। सदर DSP ने आगे बताया कि मुंगेर से अवैध हथियार लाकर दोनों इसकी खरीद बिक्री करते थे। गिरफ्तारी के समय भी ये दोनों हथियार की डिलीवरी देने जा रहे थे, लेकिन वाहन चेकिंग के दौरान दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर दोनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। क्या मामला है सर? गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना भादो टोला के पास जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वहाँ पर 2 अपराधकर्मी जो है वो हथियार से लैस गुजरेंगे, साथ ही साथ वो जो है पिस्टल का जो है व्यापार भी करते हैं और उसको खरीद फरोख्त का भी काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, तो वो बेचने जा रहे हैं कहीं पर। इस सूचना पर एक टीम का गठन पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्णिया के द्वारा तत्क्षण किया गया, साथ ही टेक्निकल टीम एवं प्रशिक्षमान DSP चंद्रभूषण जी थे उनका आनंद और इनके साथ थाना अध्यक्ष एडिशनल थाना अध्यक्ष मुफस्सिल की ये सारे लोगों का टीम बना और उसको इंटरसेप्ट किया गया मोटरसाइकिल को। तो हीरो स्प्लेंडर बाइक पर 2 व्यक्ति, एक ब्रजेश कुमार और नितिन प्रभाकर उर्फ सन्नी पकड़ा गया। स्वतंत्र गवाहों के समक्ष उसकी तलाशी ली गई तो पंकज एक कुमार के पास से पिस्टल प्लस ब्रजेश कुमार के पास से एक पिस्टल प्लस कट्टा बरामद हुआ और सन्नी के पास से 1 पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद हुआ। बरामद पिस्टल में जो है 7.65 बोर की गोली है, जबकि कट्टा 2 गोली बरामद हुआ जो 315 बोर की गोली है। इसके अलावा मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ, मैगजीन 3 बरामद है, गोली 7.65 की 3 पीस है, मोबाइल 2 पीस बरामद है और 2 पिस्टल और 1 देसी कट्टा बरामद है। पूछताछ के क्रम में और इसके आपराधिक इतिहास खंगालने के क्रम में पता चला कि ब्रजेश कुमार जो है पूर्व के भी 5 कांड में आरोपित है, जिसमें कि आर्म्स एक्ट का भी घटना है, गोली चलाने की भी घटना है 307 का है, 27 आर्म्स एक्ट की घटना है और एक विविध केस भी है जिसमें मारपीट करके और घायल कर देने का मामला है, उसमें ये चार्जशीटेड है। जबकि सन्नी मंडल जो है चित्रवानी रोड में राजकुमार सिंह की हत्याकांड में आरोपित रहा है, राहुल झा की हत्या जो नेवालाल चौक पर हुई थी उसमें भी ये आरोपित रहा है, अपहरण के केस में भी ये आरोपित है। अन्य भी इसका आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है और इस पर हम लोग जो है विशेष जो है सो स्पेशल इसमें हम लोग देखे न्यायालय में इसको स्पीडी ट्रायल कराएंगे और स्पीडी ट्रायल कराने के तहत इसको हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे। इस टीम में जितने सदस्य थे शामिल उसको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है और पुरस्कृत करने हेतु ऊपर भी लिखा जा रहा है। ये आर्म्स कहाँ से लाते थे सर? ये आर्म्स लाते थे, कोई मुंगेर से लाते थे, बैकवर्ड लिंकिंग में भी पता चला है कि कहीं मुंगेर से लाते थे, इस सब के बारे में पता चला और खंगाला जा रहा है। सप्लाई कहाँ देने वाले? ये सप्लाई पार्टी को बात करते थे, अगर जो पार्टी इनसे मोबाइल पर संपर्क हो गया तो उसको ऑन रोड डिलीवरी कर देते थे, उसको बुलाते थे जगह पर और आज भी जो है ऑन रोड डिलीवरी करने का ही कहीं प्लानिंग था। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये जो है एक रहने वाला जो है पुरुषोत्तम ब्रजेश कुमार जो है वो नेवालाल चौक बसंत बिहार मरंगा थाना अंतर्गत का है और सन्नी भी जो है वो भी मरंगा थाना ततमा टोली का रहने वाला है। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।